आओ जी, स्वागत है आपका आर्को स्टिचिंग आर्ट चैनल पर, जहां आप सीखते हैं पुराने कपड़ों से नई चीज़ें बनाना अपने और अपने घर के लिए। तो आज मैं आपके लिए नया पिलो कवर बनाना सिखाऊंगी, जो मैंने पुराने कपड़ों से ही स्ट्रिप निकाल कर बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। हमें 2 इंच की मैंने स्ट्रिप निकाली है पुराने कपड़ों से। इनमें लेंथ का मेजरमेंट बताऊँ तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जितनी चाहें उतनी लंबी निकाल सकती हैं। और मैंने एक प्लेन कपड़ा लिया है, एक पेंट का कपड़ा है, आप चाहे कोई सा भी ले सकते हैं। इसका मेजरमेंट है वो है 18.5 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी लेंथ है वो 28 इंच है। ये मैं पिलो कवर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर इसका जो सेंटर पार्ट है वैसे निकाल लेना है, और इसके 4th पार्ट में कट कर लेना है। इक्वल पार्ट में 4th पार्ट में मैंने कट कर लिया है। अब इसमें हम डिज़ाइन बनाकर अटैच करेंगे। स्ट्रिप निकालने के अलावा मैंने ये लिया है स्क्वायर पीस, जिसकी मेजरमेंट है 5 इंच बाई 5 इंच। इसे हमें चाक टुकड़ों में ट्रायंगल शेप में कट कर लेना है। सबसे पहले हमें ये ट्रायंगल शेप का टुकड़ा इस पे अटैच कर लेना है, जो हमने पिल्लों के लिए 4 टुकड़े कट करे थे। उसे हमें पिन के साथ अच्छे से अटैच कर ऐसे रख लेना, और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। फिर इसी के ऊपर रखकर हमें ये पट्टी अटैच करनी है, वाइट कलर की है। इनकी लेंथ की बात करूँ तो आप लेंथ 10 से 11 इंच की रख सकते हैं, क्योंकि हमें कट कट कर ही लगानी है। इसके लिए लेंथ का कोई ऊपर 10 से ऊपर ही रखें, इसे नीचे मत रखें। और चौड़ाई आप अपनी इच्छा अनुसार, अगर आप डिज़ाइन को थोड़ा बारीक बनाना चाहते हैं तो आप 1.5 इंच की स्ट्रिप भी कट कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा मोटा रखना चाहते हैं तो 3-4 इंच तक की रख सकते हैं। मैंने ये 2.5-2.5 इंच की लगाई हैं। इसे मैं अच्छे से स्क्योर करके पहले मैं स्ट्रिप लगानी है, उसके बाद कट करनी है देख कर अच्छी तरह। अब मैंने पहले वाइट लगाई है, उसके ऊपर मैं ब्लू लगाकर ऐसे ब्लू लगाने के बाद फिर इसे अच्छे से देखकर भी ये पूरा मेजरमेंट है, उसके बाद कट करनी है। मैंने यहाँ 2 कलर लिए हैं, आप चाहें तो 3-4 कलर भी ऐड कर इसे और भी कलरफुल बना सकते हैं। ये मैं सिंगल पिल्लो कवर बना रही हूँ। आप चाहें तो मैट बना सकते हैं, कुछ और भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह हमारे पुराने कपड़े भी यूज़ हो जाते हैं और घर के लिए एक नई चीज़ भी बन जाती है। मैं टॉप स्टिच लगा रही हूँ, जो वाइट वाला पार्ट है उसके ऊपर। इन्हें स्ट्रिप लगाते वक्त ध्यान रखें कि इनमें कोई झोल ना पड़े, झोल पड़ने की वजह से ख़राब हो सकती हैं। इसलिए चार टुकड़े कट करे हैं पेंट के नीचे पिलो कवर बनाने के लिए, उन पर हम चारों पर इसी तरह ही ये स्ट्रिप लगानी है। जैसे मैंने ये पहली पे लगाई, ऐसे ही हमें चारों पर लगानी है। पहले हम एक पे लगा लेंगे, फिर उसके हिसाब से हम दूसरे पे लगाएंगे। अब ये एक लग चुका है, अब इसमें है इसे उल्टा कर
इसका जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है इसे कट कर लेना है, जो बाहर की तरफ स्ट्रिप है। अब मैं दूसरी लगानी शुरू करी है। दूसरी लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है, ऐसे जब भी आप दूसरी स्ट्रिप लगाओगे तो पहले जो हमने तैयार किया है पार्ट उसके साथ अटैच करके, क्योंकि जब मैं इन दोनों को आपस में सिलना होता है इसलिए हमें इन्हें अच्छे से अटैच कर कर देख लेना चाहिए भी ये एक दूसरे के बराबर आ रही हैं, कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। इसलिए अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से सही कट किया होंगे और सिलाई लगाते वक्त एक जैसे कपड़े पर सिलाई लगाएंगे, यानी कि एक ही तरह दबाकर कपड़े पर सिलाई लगाएंगे, तो आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। अदरवाइज़ आप ऐसे भी मेज़रमेंट कर कर, ये मैंने दो पार्ट तैयार कर लिए इसीलिए इसी तरह हमने दूसरे और दो पार्ट तैयार कर लेने। फिर हमें इसने ऐसे रख कर स्टिच कर देना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। इसी तरह मैंने दोनों पार्ट तैयार कर कर बीच में सिलाई लगा दी है। अभी बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए बन चुका है अच्छी तरह। बस इसके ऊपर का कपड़ा लगाना रह चुका है, वो मैं अभी लगा देती हूँ। पहले हम छोटा कपड़ा अटैच करेंगे, सिलाई लगा लेंगे, उसके ऊपर बड़ा। ये मैंने अटैच कर लिया है, ये मेरा बनकर रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।